अक्षय कुमार ने ले ली भाई एलविश यादव की विकेट। अभी आप लोगों को तो पता ही है, अगर नहीं पता तो कंटिन्यूअसली आप लोग मेरी वीडियो देख लिया करो, क्या चल रहा है। एलविश, मुनावर, मनीषा, मनारा और भी जो सेलिब्रिटीज है वो आखिरकार कर क्या रहे हैं। सब चीजें जो है मैं टाइम टाइम पे आप तक पहुंचाती जो रहती हूँ। अब जो है ये ग्राउंड में है, थाने में, मुंबई में, और मैच खेल रहे हैं। कुछ ही देर पहले जो है मुनावर फारूकी और एलविश को साथ में देखा गया, इन्होंने सेल्फी ली और पोजेस भी साथ में दिए, काफी अच्छा नज़ारा था। उसके बाद जो है अब जो कि मास्टर 11 जो कि जो है एलविश की टीम है, और जो खिलाड़ी 11 है जो कि मुनावर की टीम है यानी कि अक्षय कुमार की टीम है, अक्षय कुमार जो है बॉलिंग कर रहे थे और वहीं पर जो है खेल रहे थे एलविश यादव। एलविश यादव जो है एक बॉल जैसे ही उनकी तरफ गई तो उन्होंने मारा तो भाई बॉल को और एक रन ले लिया, पर दूसरी बॉल पे जो है आउट हो गए। और इतने ज्यादा खुश हुए ना एलविश यादव आउट होके कि मानो जैसे इनको ट्रॉफी सीधी मिल गई हो, क्योंकि अक्षय कुमार के हाथ से आउट जो हुए हैं। मुनावर फारूकी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, एलविश बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और एलविश को आउट होने के बाद जो है गले लगते हुए देखा गया अक्षय कुमार के, और काफी ज्यादा खुश थे। तो अब जो है उन्होंने, अक्षय कुमार ने विकेट तो ले ली है, हालांकि मैं चाहती थी कि एलविश जो है थोड़ा लंबे समय तक चले, कि जब मुनावर बॉलिंग करने के लिए आए तब देखना काफी ज्यादा नजारा बहुत मजेदार होता, बट ऐसा नहीं है कि हर एक चीज जो हम चाहें वो हो जाए। मैंने ये चाहा कि इन दोनों को साथ में जब आज स्टेडियम में देखेंगे, नजारा देखेंगे कैसा होगा, तो नजारा जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और कुछ लोगों ने जो है काफी सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर करनी शुरू कर दी है, जिनके वो छोटे छोटे माइंड है ना, वो लोग काफी सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।